का किया हुआ है, उसके बाद कलरिंग का किया, स्टिल लाइफ हो गया या स्टिल लाइफ स्केचिंग हो गया या स्टिल लाइफ पेंटिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट है उसी का एक और पार्ट है नेचर स्टडी, स्टिल लाइफ ऑब्लिक नेचर स्टडी। तो नेचर स्टडी में सबसे पहले स्टार्टिंग हम कोई भी प्लांट ले लेते हैं, प्लांट की उसकी स्टडी करते हैं, उसमें कौन सा कलर अप्लाई हुआ है, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के क्लियर करेंगे। तो इस नेचर स्टडी में सबसे पहले स्टार्टिंग जो है फ्लावर से इसलिए करते हैं कि फ्लावर जो है उसका कलर कैसा है, लीव्स में कौन सा कलर होते हैं, या जो नए फ्लावर होते हैं उनका कलर कैसा होता है, थोड़ा सा एक दिन पुराने फ्लावर हो गए उनका कलर कैसा होगा, ये सब सारी चीज़ें आगे चल के इसमें वीडियो में करेंगे। और कैसे कलर अप्लाई करना है ये सब हम बताते हैं। तो बेसिक से यार किसी भी नेचर स्टडी के लिए भी पहले सबसे पहले आपकी ड्राइंग जो है इंपॉर्टेंट होनी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी टाइप की पेंटिंग हो या स्टिल लाइफ हो, कॉम्पोजिशन हो या नेचर स्टडी हो, उसमें ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेन है कि अगर ड्राइंग आपकी 50% 70% अच्छी बन गई तो कलरिंग तो ऑटोमेटिक अच्छी हो ही जाती है। सबसे पहले हम ड्राइंग में बनाएंगे, ड्राइंग में मेन जैसे हमारे सामने जो भी फ्लावर रखा हुआ है उसमें जो हमारा मेन फ्लावर ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, सबसे हाईलाइट हो रहा होगा, सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसके आसपास जितने भी फ्लावर होंगे, लीव्स होंगी या कुछ और होगा वो ऐड ऑन करेंगे। तो हम धीरे धीरे ड्राइंग शुरू करते हैं। ड्राइंग करते टाइम ये जरूर रखें कि जितना लाइट से लाइट आप ड्राइंग कर सकते हैं वही करिएगा, बहुत डार्क जो है ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। डार्कनेस से क्या हो जाएगा, मान लीजिए कहीं आपको लाइट कलर लगाना होगा तो बाद में वो पेंसिल का इफेक्ट दिखेगा। ड्राइंग ले लेंगे कि कहाँ पे कौन सा लीव्स गई है, कौन सा फ्लावर कहाँ पे है। और आप बस आपको जो भी लीव्स या फ्लावर है उसका शेप देना है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट जैसा दिख रहा है वैसा बनाने की स्टार्टिंग में ट्राई करिए, बस हाँ उस शेप में आ जाना चाहिए।